नमस्कार, आपका स्वागत है आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज किस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आई हुई बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट की तरफ से अभी जो है पोस्ट अनुसेवक के लिए आप लोग का भर्ती आई हुई है। तो ये आप लोग का लेटेस्ट जो है न्यू वैकेंसीज 2020 के लिए आई हुई है, जिसके लिए आप लोग का योग्यता 10वीं पास है। अगर आप लोग मैट्रिक पास किए हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका यहाँ पे है। चाहे मेल हो या फिर फीमेल, यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपये आप लोग का पर माह यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्म है आप लोग का, वो ऑफलाइन तरीके से आप लोग को फिलअप करना होगा। तो फॉर्म की जो है लास्ट डेट है वो 21 तक रखा गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से परिपूर्ण डिटेल्स के साथ वीडियो में आप लोग को जानकारी देंगे, तो लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आप लोग को यहाँ पे पता चल सके। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, कुछ इस प्रकार से जारी होकर आई हुई है, कुल 3 पेजों पे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आप लोग को बता दे, अभी जो है देख पाएंगे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तहत ये विज्ञापन आप लोग का निकाला गया है। जो विज्ञापन की संख्या है वो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, 03/2020 के तहत अभी जो है अनुसेवक की ये भर्ती आप लोग का होनी है, जो संविदा आधारित आप लोग का भर्ती है। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग का रखा गया यहाँ पे, आप लोग देख पाएंगे जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक पास अगर आप लोग है तो आप लोग यहाँ पे आवेदन दे पाएंगे अनुसेवक पद के लिए। ठीक है, वही आप लोग का जो वंचित योग्यता है वो आप लोग का रखा गया है, देख पाएंगे साइकिल चलाने की जानकारी होनी चाहिए, परंतु महिलाओं के लिए जो ये अनिवार्य नहीं है। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो है सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, और जो मेल कैंडिडेट है उनको साइकिल चलाने आना चाहिए। तो कुल रिक्तियाँ की बात करें तो 6 जो है पदों पर ये भर्ती है, जिसमें आप लोग को 18,000 रुपया पर माह दिया जाएगा। तो अब आप लोग को बताना चाहेंगे, ये जो आप लोग का नोटिफिकेशन जो यहाँ पे जारी किया गया है वो 1/7/2020 को जारी किया गया है, और आप लोग का 21/7/2020 तक जो है अंतिम तिथि रखा गया है, यानी कि 21 जुलाई 2020 से पहले पहले आप लोग को आवेदन करना है। आवेदन आप लोग को ऑफलाइन तरीके से करना होगा, जो कि फॉर्म का फॉर्मेट देख पाएंगे 1 पेज में दिया गया है। ये PDF आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उसके बाद फॉर्म को जो जानकारी दिया गया है सटीक जानकारी भर के, फिर इसके साथ आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ की कोई भी प्रूफ दीजिएगा फोटोकॉपी, साथ ही साथ आचरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और मैट्रिक का आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपना फ़ोटो लगा के उसके बाद एक लिफाफा पे भर के आप लोग को जो है भेजना होगा। कहाँ भेजना होगा, कितनी रुपया किस कैटेगरी को लगेगा और किस तरह से आप लोग का शुल्क लिया जाएगा, सभी बातें आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता दें, जो लोग सामान्य कैटेगरी से आते हैं उनको 200 रुपया फॉर्म फी लगने वाले हैं, वही जो लोग अति पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको 100-100 रुपया करके लगने वाले हैं। जो लोग अनुसूचित जनजाति या फिर जनजाति से आते हैं उनको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन अप्लाई होती है मेल और फीमेल दोनों पे। तो अब आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो है जो जानकारी प्राप्त हो रही है, जो आप लोग का आवेदन शुल्क होगा वो भारतीय जो है पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट सचिव या फिर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के नाम से दे होगा। ये 3 तरीके से आप लोग अपना अपना जो है शुल्क जमा कर सकेंगे, जो कि आवेदन के साथ आप लोग को ये समर्पित करना होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है, आप लोगों ने अगर पहले भी कभी ऑफलाइन फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग को पता होंगे कि जो टिकट होते हैं, जो जिसमें आप लोग का पैसा का रूप दिया जाता है, उस माध्यम से यहाँ पे आप लोग को जो लिफाफे का अंदर ही आप लोग को जो है जो आप लोग को यहाँ पे शुल्क भेजना होगा, वो किस माध्यम से, भारतीय पोस्टल ऑर्डर से आप लोग को जो है करना होगा, या फिर बैंक ड्राफ्ट सदस्य सचिव से, या फिर आप लोग बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के नाम से यहाँ पे आवेदन के साथ जो है समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को बता दे, यहाँ पे आप सूचना आप लोग को दिया जा रहा है कि आप लोग जो है देख पाएंगे यहाँ पे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बताए, आचरण प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र और जो है मैट्रिक के दस्तावेज, मैट्रिक का जो है आप लोग का सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी के साथ आप लोग को 21 दिन के अंदर जो है इस पोस्ट या फिर आप लोग को डाक द्वारा भेजना होगा। तो आप लोग को साफ साफ बता दे, 1/7/2020 को ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल तौर पर आई है, 21/7/2020 तक 20 से पहले पहले आप लोग को फॉर्म भरना है। ठीक है, तो अभी आप लोग का
जो है समय कम है, आप लोग स्पीच पोस्ट जो है मार दीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेंगे। तो यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि जो पंजीकृत है वो आप लोग का डाक एवं स्पीड पोस्ट से ही जो है सिकारा जाएगा, अन्य कोई भी जो मेथड से आप लोग का फॉर्म सिकारा नहीं जाएगा। तो स्पीड पोस्ट जो है मार दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। वहीं यहाँ पे सूचना दिया जा रहा है कि घोषित पदों की रिक्तियाँ की संख्या घट बढ़ सकती है, यानी कि 6 जो पदों पर, 6 पोस्टों पर, 6 रिक्तियाँ पर जो ये आप लोग का बहाली भर्ती लिया जा रहा है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है, ये सूचना यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर सूचना दिया जा रहा है कि अभी जो है जो आप लोग फॉर्म भरेंगे, अगर फॉर्म पे कोई भी गलत जानकारी पाया जाता है तो आप लोग का जो है वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए अच्छे से भरेंगे। साथ ही साथ आयु सीमा की बात की गई है, आप लोग को बता दें एक बार कि 18 वर्ष आप लोग का आयु सीमा रखा गया, जिसमें 1/7/2020 से पहले पहले 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आप लोग का 37 होना चाहिए। ये 37 अधिकतम जनरल के लिए है और 18 से लेकर 40 तक जो है आप लोग का पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और 18 से लेकर आप लोग 42 जो है वो आप लोग का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आप लोग को बता दे, ये थी आज की अपडेट जो कि आप लोग को दिए हैं, पूरी अपडेट के साथ जो कि आप लोग को बताए हैं। तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद कैफे से जाके या फिर जैसे भी आप लोग इस पेज को, फॉर्म के पेज को सिर्फ प्रिंट आउट कीजिए। प्रिंट आउट करके अच्छे से जो जानकारी दिया गया है नॉर्मल है, आप लोग भर लेंगे, ठीक है, सभी कुछ भर के अपना एक फ़ोटो अटैच कर देंगे। उसके बाद इसके पीछे पिनअप कर देंगे आप लोग का जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बताए वो सभी। उसके बाद एक लिफाफा पे भर के और जो आपको आप लोग का जो भी आप लोग कैटेगरी से आते हैं वो उसका जो है शुल्क जो है आप लोग ले लीजिएगा। सभी कुछ जो है लिफाफा पे भर के उसके बाद स्पीच पोस्ट जो है आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप लोग को बता दें स्पीच पोस्ट करने के बाद आप लोग का जो है यहाँ पर साक्षरता होगा जो कि 20 अंक का होगा, उसके आधार ही आप लोग को जो है चयन किया जाएगा, ठीक है। तो परिपूर्ण जानकारी थी, हमने आप लोग को बता दी पूरी जानकारी के साथ। अधिक जानकारी आप लोग को जो है www.patnahighcourt.gov.in की वेबसाइट पे आप लोग को जाके देख सकते हैं जो कि प्रकाशन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आप लोग को बताना चाहेंगे, आप लोग को जो है इस एड्रेस पे जो आप लोग को भेजना है, आप लोग का पूरा जो है स्पीच पोस्ट करना है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार बुद्ध मार्ग जो है पटना संग्रहालय के सामने, और पटना का पिन कोड यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, ये आप लोग का एड्रेस रहेगा। इस एड्रेस पे आप लोग को जो है सारा कुछ जो स्पीड पोस्ट है इसी नाम पे आप लोग को करना होगा, यही एड्रेस है, यहाँ पे आप लोग को सेंड करना होगा आप लोग का जो है फॉर्म, ठीक है। तो पूरी अपडेट के साथ हमने पूरी जानकारी आप लोग को दे दिए। इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन था जो कि सारा अवगत आप लोग को कराए हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और भी जानकारी आप लोग को प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं बिहार की और एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।